नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। अपराधी के परिवार, बच्चों का क्या दोष है? पिता अपराधी है तो बच्चे को मार डालोगे, ये कौन सा न्याय है? कहीं ये वसूली का मामला तो नहीं है? जी, उत्तर प्रदेश के चंदौली में सैद रजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव में खाकी पर जो सवाल खड़े हुए, आज उसे सुन सब हैरान है। क्यों इस वारदात ने पुलिसिया सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है पुलिस गैंगस्टर और उसकी बेटी से जुड़ा। एक गैर जमानती वारंट के आरोपी और जिला बदर कन्हैया यादव के घर पर पहुंचकर उसके घर पर एक बार फिर से छापेमारी करने की कोशिश की गई। पुलिस के दबिश देने के दौरान घर में कन्हैया की बेटी निशा और गुंजन ही मौजूद थी। घर के लोगों का कहना है कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान लड़कियों के साथ मारपीट की और इसी दौरान निशा की मौत हो गई, जबकि गुंजन घायल हो गई। एक लड़की की मौत के बाद हंगामा बरपा है और आरोप पुलिस पर लगे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, इसके मुताबिक कोई चोट के निशान नहीं है, सिर्फ दो निशान मिले हैं, गले में खरोंच के निशान जरूर मिले हैं। विवाद बढ़ता देख सरकार एक्शन में आती और सैद रजा थाना प्रभारी उदय प्रताप को निलंबित करने के साथ साथ सैद रजा थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह, संजय सिंह, चार महिला कांस्टेबल के खिलाफ धारा 323, 752 तथा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस को गैंगस्टर तो नहीं मिला, लेकिन पुलिस टीम के लौटने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर की बेटी की मौत हो गई। मौत से गुस्साए गांव वालों ने सड़क जाम की और खाकी पर इल्जाम लगाए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। गांव वालों का आरोप है कि पुलिस की मारपिटाई से लड़की की जान चली गई। विवाद बढ़ता देख ऐसे में सियासत भी कहां शांत रहने वाली थी, सियासत खूब हुई। खबर मिलते ही सपा के पूर्व सांसद रामकिशन यादव मौके पर सबसे पहले पहुंच गए और फिर धीरे धीरे सपा विधायक वहां पर जा पहुंचे। हालात को काबू करने के लिए फोर्स तैनात कर दी गई है। निशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं है, ना ही आत्महत्या की पुष्टि हुई है। फिर मौत हुई तो हुई कैसे? घर वालों ने दावा किया है कि पुलिस ने मारपीट कर फांसी के फंदे से लटका दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग नहीं आया। अब सवाल यह है कि लड़की ने घर में फांसी लगाई, लेकिन फांसी के फंदे से लटकते किसी बाहरी ने क्यों नहीं देखा? पुलिस की मारपीट में युवती घायल थी तो अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? गले के सामने खरोंच और बाएं जबड़े के नीचे आधा सेंटीमीटर की चोट कैसे आई? मौत का कारण साफ नहीं, इसलिए विस्तृत परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा गया है। आपको यह भी जानना चाहिए कि अमूमन जहर खाने से हुई मौत के मामले में विस्तृत परीक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर ये हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव कौन है। चलिए ग्राफिक्स जरिए आपको बताते हैं। सैदरजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव का रहने वाला कन्हैया यादव बालू का कारोबारी है। कन्हैया यादव खनन माफियाओं से साठ गांठ कर बालू का अवैध कारोबार भी करता था। कन्हैया यादव का पुराना आपराधिक इतिहास है। ना सिर्फ कन्हैया यादव बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आखिर कहानी क्या है, इसके पीछे क्या छिपा हुआ है, ये तमाम चीजें यहाँ पर समझ आ रही है। ना गंभीर चोट है, ना खुदकुशी है, तो आखिर लड़की की मौत कैसे हुई, ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। लड़की के खून से क्या पुलिस के हाथ सने हैं? क्या सिर्फ ये वसूली का मामला था या कुछ और है? कितना सच है, कितना झूठ है, इसकी तलाश लगातार हम कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये कन्हैया यादव, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कौन है, तो ये जरा आपको बता दूं, खनन माफियाओं से साठगांठ कर बालू का अवैध कारोबार भी करता था। कन्हैया यादव का पुराना आपराधिक इतिहास है। ना सिर्फ कन्हैया यादव बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ अलग अलग मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। तो ये इतिहास है कन्हैया यादव का, जिसके घर पर पुलिस तफ्तीश देने गई और फिर यहाँ पर एक लड़की की मौत हो जाती है, उसके बाद दूसरी जो लड़की है वो भी गंभीर रूप से घायल है और बस बवाल यहाँ खत्म नहीं होता। क्यों दबिश देने गई थी पुलिस, जरा ये भी सुन लीजिए। कोर्ट से कन्हैया यादव के खिलाफ NBW जारी हुआ था और पुलिस उसकी तलाश में रविवार की शाम उसके घर पर दबिश देने गई थी। जिस वक्त पुलिस ने घर पर दबिश दी, उस वक्त घर पर निशा और गुंजा नाम की दो बहनें ही मौजूद थी। पुलिस ने दबिश देने के दौरान पूछताछ के नाम पर दो बहनों के साथ मारपीट की, ऐसा आरोप है। परिजनों का आरोप ये भी है कि इससे बचने के लिए बड़ी बहन निशा पहली मंजिल पर चली गई, उसके पीछे महिला और पुलिस कांस्टेबल भी गए और उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान निशा की मौत हो गई और पुलिसकर्मी ने उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहां से फरार हो गए हैं। तो इस पूरे मामले पर कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। ये मनराजपुर का मनराजपुर गांव में जो पुलिस NBW का तलाशी में यहाँ गांव में आए थे,
और यहाँ आने पर जो है वो वारंटी यहाँ नहीं मिला है और उनका बेटी का डेड बॉडी मिलने का जो सूचना मिली है तुरंत कप्तान साहब को ये सूचना मिली। फिर यहाँ जो है फिर पब्लिक ने जाम लगा दिया। जाम लगाने के बाद एक एम्बुलेंस के साथ तोड़फोड़ किया था और साथ में एक सिपाही और एक होमगार्ड के साथ मारपीट किया और ये परिवारजनों के द्वारा ये आरोप लगाया था। इंस्पेक्टर जो है जब यहाँ वारंट के लिए यहाँ घर पर आए थे तो ये बड़े वाला लड़की जो निशा यादव है उनके साथ मारपीट किया है और मारपीट करने के उपरांत उनका डेथ हो गई। आज अपराह्न में एक सूचना मिली कि कन्हैया यादव जो मनराजपुर अंतर्गत थाना सेद राजा के निवासी हैं उनकी एक बेटी की जो है डेड बॉडी है घर में और उस पर तत्काल जो है मेरे द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा मौके पर पहुँचा गया। परिवार वालों से बातचीत की गई और मौका मुआयना किया गया जिसमें निशा जिसकी उम्र लगभग 21-22 साल की है उसकी डेड बॉडी पाई गई है। परिवारजनों द्वारा तहरीर दी गई है उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही जो दबिश के संबंध में आरोप लगाया कि पुलिस ने दबिश दी है उस पर SHO पर आरोप लगाया गया है। SHO को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। देखिए अभी हम लोग अपने क्षेत्र में थे शादी विवाह निमंत्रण में कार्यक्रम पता चला है अचानक पुलिस द्वारा उत्पीड़न की घटना सदर आगे। अभी जो हम लोग आए यहाँ पता चला कन्हैया यादव जी जिनको जिला बदल किया गया है प्रशासन की तरफ से और अपने घर पे भी नहीं और उसके बावजूद भी पुलिस जानबूझ के इनके घर आई जबकि इसके पहले एक दिन पहले इनके बेटे को पकड़ के मारपीट करके उनको जेल भेजने का काम किया उसकी आधी साथ जमानत। तो चंदौली का ये पूरा मामला है जहां एक बार फिर से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ढेर सारे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। गैंगस्टर के घर पर दबिश देने पुलिस का ही लेकिन वहां पर दो लड़कियां मौजूद थी जिनमें से एक की मौत हो गई है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। सियासत भी बहुत हो रही है। यूपी पुलिस पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर शासन की हम बात करें तो शासन द्वारा इस पर एक्शन भी लिया गया है। कई पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मामला दबिश देने का था या फिर वसूली थी। और इसी मामले पर पूर्व IPS वेद भूषण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वेद भूषण शर्मा जी बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी नमस्कार काजल जी। वेद भूषण साहब सबसे पहले ये बताइए कि इस तरह के मामले को हम किस तरह से देख सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है ना तो ये खुदकुशी है ना कोई और वजह है गले पे निशान है। विसरा रिपोर्ट की बात की जा रही है कि विसरा इकट्ठा कर लिया गया है रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कुछ कहा जा सकेगा। हाँ बिल्कुल सबसे अहम सवाल इस टाइम यही आ रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी है उसमें कोई इस तरह से इंजरीज नहीं है जो उसकी मौत का कारण बनती हो। कॉज ऑफ डेथ अभी क्लियर नहीं है इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसका विसरा प्रिजर्व किया गया है उसको लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा उसमें देखा जाएगा कोई जहरीली चीज या कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई हो क्योंकि जो इंजरीज है वो मैच नहीं करती डेथ के कारणों से। और मैं आपके चैनल पर क्लियर करना चाहता हूं जब कस्टोडियल डेथ का जहां पर मामला होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की डायरेक्शन है पोस्टमार्टम के टाइम पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो तमाम वीडियोग्राफी कराते हैं जितना भी पोस्टमार्टम शुरू से आखिर तक होता है और डाउट होने पर कोई शक क्रिएट होने पर उसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड का गठन किया जाता है जिसमें 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं वो सारे सर्कमस्टांसेस सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट विसरा रिपोर्ट को देखने के बाद ये कंफर्म करते हैं कि डेथ का कारण क्या था कितने टाइम पहले डेथ हुई क्या इंजरी काफी थी जिनकी वजह से डेथ हो सकती थी या कुछ और उनके जो विसरा था उनका पेट का धोवन था जो तमाम चीजें थी उनको मैच करके वो एक निश्चित एक बता सकेंगे। वो तमाम चीजें एक साइंटिफिक तरीका है उस पर सभी को कोर्ट भी अदालत भी इन्हीं पर विश्वास करती है और यही हिंदुस्तान का सिस्टम है। तो इसमें जो जितना भी मामला निकल कर आ रहा है पुलिस की जहां तक डाउट का क्रिएट करने का सवाल है उनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल ये भी है कि विसरा की बात यहाँ की जा रही है कि विसरा रिपोर्ट यहाँ आएगी तो उसके बाद फिर कुछ कहा जा सकेगा। देखिए जहाँ तक देखिए आप मेरे से बेहतर जानते हैं विसरा रिपोर्ट विसरा की जांच जब की जाती है जब कोई जहरीली पदार्थ कोई खा लेता है। अगर ऐसा हुआ भी है तो आरोप जो परिवार वाले लगा रहे हैं कि फंदे पर लटकती हुई लड़की मिली है तो आखिर वो फंदे पर कैसे लटक सकती है। दूसरा सवाल ये है कि अगर पिता का कसूर था तो बच्ची को क्यों मारा।
जो आरोप लग रहे हैं कि बच्चे की पिटाई की गई है बहुत ज्यादा कमरे में बंद करके। देखिए काजोल, जो इस तरह के शख्स हुए वाली डेड बॉडीज होती हैं उनमें तमाम में विचरा रखा जाता है। ये कोई ऐसा केस नहीं है कि इसमें डाउट था कि इसको कुछ जहर दिया गया, जहर दे के मारा गया, या इसके पेट में या इसको कुछ बीमारी थी या किसी वजह से डेथ हुई थी। ये नॉर्मल हर तरह के केस के अंदर जब इस तरह के सर्कमस्टांसेज होते हैं जहाँ डाउट होता है, क्लियर नहीं होता कि कॉज ऑफ डेथ क्या थी, वहां पर उन तमाम केसों के अंदर विचरा रखा जाता है। तो ये नहीं है कि पहला केस है इसमें विचरा रखा गया हो, तो तमाम ये चीजें हैं जो विचरा रखना मैंडेटरी है, प्रोविजन है कि आपको विचरा रखना ही होगा। और विचरा एक मदद करता है डॉक्टर्स को जो पोस्टमार्टम करते हैं, जो ऑटोप्सी करते हैं कि ये कारण क्या रहे थे इसके पीछे, एसर्टेन करने के लिए। तो अभी हम सबको इंतजार करना पड़ेगा जब वो बोर्ड गठित होगा और वो तमाम अपनी रिपोर्ट देगा कि मृत्यु के पीछे कारण क्या था, क्या इसके पीछे पुलिस जिम्मेदार थी, या उसका अपनी बॉडी के अंदर कुछ इन्फर्मिटी थी, कुछ कमजोरी थी, या कोई और वजह थी, या वाकई में जो गले में ताया जा रहा है कि उसको लटकाया गया या फंदे के निशान थे वो किस चीज के निशान थे, लिगेचर मार्क के निशान थे या वो हाथ से प्रेशर देने के निशान थे, वो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी आने वाले टाइम में जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनल। सर एक और सवाल ये है, सवाल ये नहीं, मैं पूरे सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, मैं बस सवाल ये कर रही हूँ कि ये दबिश थी या वसूली। देखिए जब कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट उसका इशू हुआ है, पहले अवेलेबल वारंट, पहले शुरू में एक नोटिस आता है किसी को भी, उसमें नोटिस पे कंप्लायंस ना होने पर फिर कोर्ट उसका अवेलेबल वारंट जारी करती है कि आपको बेल देनी पड़ेगी। तो उसके बावजूद जब वो नहीं आता तब नॉन अवेलेबल जारी होता है, इसका मतलब वो कानून की जद से अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, कानून से भाग रहा था, क्योंकि अदालत का इश्यू था नॉन अवेलेबल वारंट, हमेशा अदालत ही इश्यू करती है जिन केसेज में इनके केसेज का ट्रायल चल रहा था, क्योंकि ये हिस्ट्री शीटर है, इसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इसके केसेज वहाँ चल रहे थे। उसी क्रम के अंदर एनबीडब्ल्यू जारी हुआ कोर्ट से और उसी को एग्जीक्यूट करने के पुलिस उसके घर पे दबिश देने गई। तो जहाँ तक वसूली का उसका संबंध है वो तो पुलिस जांच में या उनकी विजिलेंस या जो डिपार्टमेंट होता है वो इंक्वायरी करेगा क्या, पर चूंकि अब आप खुद ही बता रहे हैं कि उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट है तो प्रथम दृष्टया माना जाएगा कि पुलिस अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर उन्होंने दबिश दी थी। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, जब एनबीडब्ल्यू आता है तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सर आप मेरे से बेहतर जानते हैं, आप मेरे से बेहतर जानते हैं, सामान्य प्रक्रिया है, चलिए मान लीजिए सामान्य प्रक्रिया है कि गए थे दबिश देने के लिए, छानबीन करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक लड़की की जान चली जाती है, दूसरी लड़की घायल रहती है और जो बेटा बताया जा रहा है वो भी अस्पताल में है? हाँ बिल्कुल, अब ये जो सारी सर्कमस्टांसेस हैं, जब रेड करने के लिए गए कि क्या वो पुलिस का उन्होंने रेजिस्टेंस किया, विरोध किया कि हमारे घर में रेड ना हो, हमारे फादर को अरेस्ट ना करके ले जाएं, तो उन्होंने क्या सर्कमस्टांसेस रहे कि उनको इस तरह की चोटें आई, क्या वो कूद गए, क्या पुलिस के साथ झगड़े में उनको चोटें आई हैं, ये तमाम चीजें विवेचना का एक सब्जेक्ट है, विषय है। ये तमाम चीजें जब क्लियर होंगी तब तब जो अब जो पुलिस वालों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और बड़े सीनियर लेवल के अधिकारी इसमें क्योंकि है मौजूद है मौके पर, आप खुद ही बता रही थी कि एसपी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये तमाम चीजें वक्त के इंतजार के साथ ही सॉर्ट आउट हो पाएंगे, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें एक दिन पर कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता, ना अदालत पहुंच सकती, ना हम और आप लोग पहुंच सकते, सभी को इंतजार करना ही पड़ेगा। आपने देखा निर्भया केस के अंदर 14 साल तक इंतजार करना पड़ा, तो इस तरह ये तमाम चीजें हैं, बहुत जल्दबाजी में सेटल नहीं हो सकती। चलिए सर इंतजार रहेगा कि आखिर यहाँ गलत कौन है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही बारीकी से इस पूरे केस को समझाने के लिए कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और किस तरह से जांच की जा रही है। तो मामला था गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने गई पुलिस का, तो गैंगस्टर तो नहीं मिला लेकिन वहां पर दो बेटियां थी और आरोप ये लग रहा है कि बेटियों के साथ जमकर मारपिटाई की गई है जिसमें एक बेटी की जान चली गई, एक बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर पूरे दिन रात बवाल चला है, सियासत खूब हो रही है और वहां के हालात कैसे हैं, अब तक क्या कुछ वहां पर अपडेट मिल रहा है, इसी पर मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, किस तरह की तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही है, कैसा माहौल है, क्योंकि बताया जा रहा है कि माहौल तनावपूर्ण है। जी बताना चाहेंगे कि जो भी पिछले दिनों यानी 1 मई को जो भी घटनाएं सदराजा थाना के मनराजपुर गांव में घटी है उसको लेकर के जहां विपक्ष एकजुट रहा वहां गांव में भी आपको देखने को मिला। घटना के 2-3 घंटे तक तो पुलिस गांव के अंदर घुस नहीं सकी, ग्रामीण इतना आक्रोशित थे
कि पुलिस पैंथर के सिपाही को होमगार्ड को भी पीटा और एम्बुलेंस को भी क्षतिग्रस्त किया, पैंथर गाड़ी को भी चकनाचूर कर दिया। इस तरह आज का माहौल जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद अश्विनी, कितने पुलिसकर्मी अब तक सस्पेंड कर दिए गए हैं? चार हैं, उसमें चार शामिल हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है, सब पर कार्रवाई हो चुकी है। बताया जा रहा है कुछ महिला कांस्टेबल भी हैं? हाँ, उसमें महिला कांस्टेबल भी, दो महिला कांस्टेबल भी हैं और सब पर कार्रवाई हो चुकी है, मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। ठीक है, वहाँ एक 112 के प्रभारी संतोष सिंह की तैनाती भी कर दी गई है। ये मामला पूरा एक अपराधी से और पुलिस का नहीं, इसको मान लीजिए कि एक परिवार जो उदंड परिवार है और खाकी की दुश्मनी का है। ये पूरी अगर इतिहास में जा करके देखा जाए तो यह परिवार अकेले मुठभेड़ पुलिस को लेने के लिए पूरा मुठभेड़ लेता था। इसके पहले भी कन्हैया यादव के घर में सैदराजा थाने की पुलिस गई थी दबिश देने के लिए, अवैध बालू के कारोबार को रोकने के लिए, तो पूरे परिवार के लिए द्वारा पथराव करके पुलिस को पीछे हटने को मजबूर कर दिया गया था। कहीं न कहीं थानाध्यक्ष जो निवर्तमान रहे उदय प्रताप सिंह, वो अपनी हनक को दिखाने के लिए उस अपराधी पर अंकुश लगाने के लिए और उसके कार्यों पर, क्योंकि वो अवैध कार्य करता था लेकिन पुलिस से उसकी सांठगांठ नहीं होती थी, कहीं न कहीं ये भी मामला अंदरूनी है। चलिए ठीक है अश्विनी, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे, इस पर अपडेट आपसे हम लगातार लेते रहेंगे, आप अपडेट भेजते रहिएगा। तो पूरा मामला चंदौली का है जहां पर पूरा बवाल हुआ। अब सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और फोर्स तैनात कर दी गई है, ऋषा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई गंभीर चोट नहीं, ना ही आत्महत्या, तो फिर मौत हुई तो हुई कैसे? घर वालों का दावा है कि पुलिस ने मारपिटाई करके फांसी के फंदे से लटका दिया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग नहीं आया है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है, जैसे जैसे एक एक परत खुलती जाएगी वैसे वैसे तमाम सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए भारत एट 9 में इतना ही, कल फिर लौटेंगे ऐसे किसी मुद्दे के साथ। नमस्कार।